हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो फर्स्ट डीपीपी है बच्चों, वो मैं जारी कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले बच्चों जो है ये वेबसाइट है physicslinks.com, ठीक है, LINX है। तो आप इस पे जैसे जाओगे तो यहाँ पर देखो क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर्स प्लस डीपीपी, यहाँ पर सेकंड टैब जो है, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर्स प्लस डीपीपी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा आपका ये पूरे क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर्स जो है ना, सिस्टमेटिकली सारे लेक्चर्स रहेंगे। तो डीपीपी कैसे रहेगा वो देखिए, हर लेक्चर्स पर बेस्ड डीपीपी है। तो जैसे फर्स्ट लेक्चर हो गया तो इसका यूट्यूब का जैसे लिंक लगा हुआ है, आप वीडियो देख भी सकते हैं क्लिक करके यूट्यूब पे। तो लेक्चर 1 हो गया, देखो लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 देख रहे हैं सिस्टमेटिकली है। उसके बाद यहाँ पर आएगा डाउनलोड डीपीपी 1। तो ये जो डीपीपी 1 है ये बेस्ड है लेक्चर 1, 2, 3 और 4 पर। उसी तरह से फिर जो है लेक्चर 5 आएगा, लेक्चर 6 सिस्टमेटिकली। तो मैं वीडियोज़ में जो लेक्चर्स लेता हूँ उसमें मैं बताता भी हूँ आप लोग के लिए। तो जैसे ही आएगा सेकेंड डीपीपी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो पहला डीपीपी हुआ, इसमें जो क्वेश्चंस है चारों लेक्चर्स पर बेस्ड है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जो भी ट्रिक्स वगैरह भी बताता हूँ कि कैसे जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उसी के आधार पर जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब इस पर जब क्लिक करोगे तो डीपीपी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रहा डीपीपी, इसके अंदर भी फुल इन्फॉर्मेशन सब कुछ है कि कौन कौन से लेक्चर्स पर बेस्ड है, कौन से टॉपिक्स है लेक्चर 1 to 4, ठीक है। इसमें देखो मैंने लिख भी दिया है कि बिफोर सॉल्विंग दिस कृपया करके आप लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि जो है सारे कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता चल जाए, ताकि चाहे वो बोर्ड्स में सवाल आए या फिर बच्चों नीट हो, जेई मेन्स हो, जेई एडवांस हो, तो आपको उसमें बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब जब लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं वहाँ पर होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है होमवर्क, क्योंकि सिमिलर पैटर्न पर मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए तो उसी पैटर्न पर रहता है, तो होमवर्क देता हूँ। तो वो होमवर्क सबसे पहले जो है डीपीपी के अंदर शुरुआती क्वेश्चंस में ही रहेगा और सिस्टमेटिक वे में। जैसे पहला जो सवाल है तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर 1, उसके बाद फिर इसका देखिएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर 3, फिर अगर थर्ड क्वेश्चन देखें बच्चों यहाँ पर देखो तो गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 4, यानी कि टोटल 4 लेक्चर में ना 3 क्वेश्चन मैंने जो है होमवर्क दिया था और उसके बाद जो है सिस्टमेटिकली है। तो इसमें टोटल जो है 15 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं और सब बहुत अच्छे लेवल का सब सवाल है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक है, ताकि जो धीरे 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 जो है ना कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते जाए और न्यूमेरिकल बनाने का जो कैपेबिलिटी है ना वो भी धीरे 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 इंप्रूव होते चले जाए। तो आप सबसे पहले इसको बच्चों ट्राई करो और कुछ ही देर में मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोग के लिए ला दूंगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। थैंक यू।